अब मैं इसका, आप लोगों ने कढ़ी तो बहुत बार खाई होगी। अब मैं ये सारी सब्जियों को कट कर रही हूँ, एक साथ कट कर लूँगी, फिर इनको बॉईल करूँगी, फिर मैं उसमें छाछ में डालूँगी, फिर इसका सोबेड़ा बनाऊँगी। अब मैं सब्जियाँ कट कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है। होता है सोबेड़ा, तो इन सबको मिक्स करके मैं अब सोबेड़ा बनाऊंगी छाछ के अंदर। अब मैं गैस जलाऊंगी और गैस पे मैं कुकर चढ़ाऊंगी, इसके अंदर मैं सारी सब्जियां उबाल रही हूँ। अब इसमें पानी डालूंगी, पानी डाल दिया। अब इसमें मैंने सारी सब्जियां काट के रखी हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, हरी फालर की प्याज है, लहसुन की फालर है, हरी मिर्च है, ये सारी सब्जियां मैंने काट दी। अब इसको मैं उबालूंगी और ये कुकर में डाल रही हूँ। ये कुकर में डाला सोबेड़ा बनाने के लिए। ये सारी हमारी रिश्तेदारी में खेत पे से टूट के आई हुई सब्जियाँ हैं, देसी सब्जी पूरी बगैर खाद की। मैं ये इसमें नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है, क्योंकि इससे बीपी नहीं होता। ये नमक भी स्वादानुसार डालें। मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, इसमें दो तीन सीटियाँ ले लूँगी, जिससे ये सारी सब्जी अच्छे से घुट घुट जाएंगी। घुटने के बाद मैं उसको हांडी में डालूंगी। अभी कुकर बंद कर दिया मैंने, ये हांडी है, इसमें मैं सोबेड़ा बना रही हूँ छाछ का, और इसके अंदर मैंने छाछ डाल दी है पहले से। अब इसमें मैं बेसन डालूंगी, कढ़ी में डालते हैं उससे थोड़ा सा कम बेसन डलता है। इसमें बेसन डाल दिया। अब इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, हरी सब्जी के साथ बन रहा है इसलिए थोड़ी हल्दी डालूंगी बस। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, नमक उसमें मैंने पहले से ही डाल रखा है। अब इसको मैं गैस पे चढ़ाऊंगी। अब इसमें मैंने बेसन मिक्स कर लिया है। अब इसको, ये मिट्टी की हांडी है, इसको तेज आंच पे नहीं चढ़ाते, नहीं तो हांडी फूट जाती है। पहले ये गर्म हो जाएगी, उसके बाद तेज आंच करेंगे, इसको धीमी आंच पे बनाएंगे। अब इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो छाछ अपनी फट जाएगी, नहीं चलाएंगे तो। ये चल रही है। अब इसमें अपने देसी तरीके से खड़ी बनेगी कढ़ी, जैसा ही होता है वो, लेकिन उसका नाम होता है सोबेड़ा। सब्जी डल के बनती है ना, इसलिए। अब ये मैंने पालक, मेथी, बथुआ, हरी फालर की प्याज, लहसुन की प्याज फालर, ये सारा मैंने उबाल लिया है। अब ये सारा उबल गया, अब इसको मैं उसमें डाल दूँगी बेसन घोल के छाछ में, उसमें गैस पे चढ़ा हुआ है, इसमें डाल दूँगी। ये देखो कितना सारा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी, अभी सोबेड़ा बनने लगा है, इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, फिर इसके अंदर छौंक लगाएंगे। अभी बन रहा है, हमारे राजस्थान में ये राजस्थानी सोबेड़ा बनाया जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये सर्दियों में ही ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि सर्दियों में सारी सब्जियां अच्छे से मिलती हैं, हरी सब्जियाँ सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमारे राजस्थान में हरी सब्जियों का सोबेड़ा
ये सर्दियों में ही बनाया जाता है। चौक तैयार कर रही हूँ, चौक के लिए इसको गैस पे फ्राई पैन चढ़ाया, थोड़ा सा फ्राई पैन गीला है, ये सूख गया। अब इसमें तेल डालूंगी, अब मैंने इसमें ना छौंक के लिए जीरा ले रखा है, सौंफ लिए और पीली सरसों और सरसों और राई और अजवाइन, इसका मैं छौंक लगाऊंगी, और हरे प्याज, हरे लहसुन, हरी मिर्च। और दो तीन सूखी लाल मिर्च तड़के के लिए। अब मेरा तड़का तैयार होने लगा है, क्योंकि मेरे पास हींग नहीं है, हींग ख़त्म हो गया, इसलिए मैं हींग का छौंक नहीं लगा रही। हींग का छौंक लगाने से ज़्यादा अच्छा लगता है हींग के खुशबू से। और ये मेरा तैयार होने लगा, हरी मिर्च डालूंगी, हरे प्याज डालूंगी और ये हरा लहसुन डालूंगी। ये चला रहा है, अब ये भून जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसको सोबेड़े के अंदर डाल दूँगी। जो छाछ से बना हुआ सोबेड़ा है, पूरी सब्जियाँ डली हुई हैं उसमें, ये बन के तैयार हो गया। इसके अंदर उबाल भी आ गए हैं, इसमें अच्छे उबाल आए हैं और ये बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी छौंक लगने के बाद। ये देखो, ये बन के तैयार है। इसको अब इसमें उबाल आ रहा है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। अब इसमें मैं तड़का डाल दूँगी, जो मेरा तड़का तैयार हो रहा है, ये तड़का तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले डाल दूँगी थोड़े से, इससे और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है खड़े मसाले से। ये मेरे खड़े मसाले, इसमें मैंने सारे पीस के रखे हुए हैं, घर में ही बनाए हुए हैं, जो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप भी देखना और बनाना। और ये राजस्थानी सोबेड़ा है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी मेरा छौंक तैयार हो गया है, अब इसको मैं उसके अंदर सोबेड़े में डालूंगी। ये इसमें मैंने डाला, ये मेरा देसी राजस्थानी सोबेड़ा बन के तैयार है। प्लीज आप इस देसी चीजों के लिए लाइक करें। ये देखो बन गई, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब इस हांडे में देर तक मैंने गैस बंद कर दिए, देर तक इसके अंदर उबाल आता रहेगा। अब मैं इसको पैक कर दूंगी, तो इसकी खुशबू और इसकी गर्म इसमें बना रहेगा काफ़ी टाइम तक। ये मिट्टी पे तवे पे बनी हुई रोटियां हैं, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, जैसे चूल्हे पे बनाई हुई है अपने, वही टेस्ट आता है इनमें। और सोबड़े के साथ में मिट्टी के तवे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है।
ये रोटी मेरी बन के तैयार है, बिल्कुल गोल गोल फूली फूली। अब मैं रोटियों को उसके अंदर ट्रे में थाल में रख रही हूँ। ये मेरा थाल तैयार है। देखो खाने में खीरे हैं, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और सोबेड़ा बनाया वो है, लड्डू है, और ये मैंने तवे पे रोटियां बनाई हैं बिल्कुल चूल्हे जैसी। अभी खाने के लिए रेडी थाल, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार आप इस सोबेड़े को बनाएं और खाएं, और खा करके कमेंट में लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।